तो ये देखिए, यहाँ से आटा उठाते हैं, इसको काट काट के थोड़े छोटे टुकड़ों में, कम से कम 2-2 किलो का लोई बनाते होंगे, 2-2 किलो का लोई बना के इस मशीन में डाला जाता है। ये देखिए, इस मशीन में डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें फिट किया जाता है, और फिट होने के बाद यहाँ पे जिस तरह से लोई कटती है आप लोग खुद देखिए। आज बॉम्बे पूरी टेंस की टीम आ चुकी है गुरुद्वारा बांगला साहब, और बांगला साहब में लंगर की हम लोग कुछ शॉट लेना चाहते हैं, और जहाँ पे जैसे खाना बनता है, और आज हम आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक रोटियाँ कैसे बनती है। सबसे पहले तो इन्होंने आटा लिया, देख लीजिए, ये मशीन में ऑटोमेटिकली आटा गूंथते रहेगा विदाउट टचिंग। मतलब पहले जो लोग आटे को गूंथते थे वो मेहनत कर करके गूंथते थे, काफ़ी मेहनत लगती थी उसको गूंथने के लिए, और इसमें क्या है, मशीन में आटा डाल दिया और आटा भी इसके अंदर पानी पड़ेगा, फिर आटा गूंथने लग जाएगा। तो ये देखिए, ये गूंथना चालू हो चुका है, अब इसमें डाला जाएगा पानी। कितना किलो आटा डाला आपने? 50 किलो आटा ऑलरेडी पड़ चुका है इसमें, अब इसमें पानी पड़ेंगे। ये देखिए, ये कितनी देर में आटा गूंथ जाता है, कितने देर में गूंथ जाएगा? 20 मिनट में आटा पूरा गूंथ जाएगा 50 किलो। मतलब अगर ह्यूमन अगर पावर लगाए, मैन पावर, तो कम से कम 1-1.5-2 घंटा लग जाएगा आटा गूंथने के लिए। और यहाँ पे मशीन है ऑटोमेटिकली, तो ये कोविड के बाद जितनी सुरक्षा यहाँ पे बांगला साहब गुरुद्वारे में की गई है वो काफ़ी अलग है, और कब से सबसे हाइजीन, और कहा जाता है कोरोना के टाइम यहाँ पे लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाया गया था। और आप देखो, वहाँ से आटा गूंथ के यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे गूंथने के बाद अब इसकी लोई बनाते हैं और ये इसमें डालते हैं, राइट सर? तो ये जो लोई है, लिया आटा जो गूंथ के, तो ये देखिए, यहाँ से आटा उठाते हैं, इसको काट काट के थोड़े छोटे टुकड़ों में, कम से कम 2-2 किलो का लोई बनाते होंगे, 2-2 किलो का लोई बना के इस मशीन में डाला जाता है। ये देखिए, इस मशीन में डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें फिट किया जाता है, और फिट होने के बाद यहाँ पे जिस तरह से लोई कटती है आप लोग खुद देखिए, ये कट रही है लोई में, और यहाँ पे जाता है, और यहाँ से रोटियाँ देखिए बनती जा रही हैं, बेलने के लिए हो रही हैं, और यहाँ पे खुद ही खुद ये पर चपटी होते जा रही है, और चपटी होने के बाद यहाँ पे आएंगी देखिए, और यहाँ पे चपटी होने के बाद ये खुद की खुद रोटियाँ काफ़ी गर्म हो जाएंगी, और गर्म होने के बाद ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिकती है रोटियाँ, यहाँ पे सिकने के बाद इसके अंदर रोटियाँ फूलने लगती हैं, तो अब फूलने के बाद रोटियाँ ये देखिए यहाँ पे ऐसी आती हैं, ये देखिए रोटियाँ ऐसी आती फूलने के बाद।